और ये आपको बताएं कि मुल्क में सियासी महाज गरम है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी आज काबीना इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सियासी महाज गरम है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज काबीना इजलास की सदारत कर रहे हैं। जहां मौसम खुशगवार है वहां सियासी सूरत हाल गर्म है। मुल्क में सियासी महाज गर्म है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज काबीना इजलास की सदारत कर रहे हैं। यह इजलास लाहौर में किया जाएगा। इस्लामाबाद आपको हम खबर दें, सियासी महाज गर्म है। मुल्क भर में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी आज काबीना इजलास की सदारत करेंगे और यह इजलास लाहौर में मुनक्कद किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल से आपको आगाह करें। मुल्क में सियासी महाज गर्म है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज काबीना इजलास की सदारत कर रहे हैं। लाहौर में यह इजलास मुनक्कद किया गया है। मुल्क की सियासी सूरत हाल गर्मा गर्म। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज काबीना का इजलास की सदारत करेंगे। जानते हैं अली अकबर से। अली बताइएगा, इजलास में किन अमूर पर गौर किया जाएगा? ये वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर के बाद गवर्नर हाउस में वफाकी काबीना का इजलास शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए तकरीबन अब गुजरा की जो है आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने जाती उम्रा फार्म हाउस से जो है खसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए जो है गवर्नर हाउस पहुँचेंगे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इस इजलास की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो आज गैर मामूली सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है। रेंजर के दस्तों ने जो है वो गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी का जो है वो कंट्रोल संभाला हुआ है। आज के अगर हम एजेंडे की बात करें तो आज के एजेंडे पे जो है फेडरल कैबिनेट जो है वो भारत की जानिब से कश्मीर में जो हालिया जारियत हुई है उसके ऊपर जो है वो सख्त मौकफ अख्तियार करने जा रही है और ये मशावरत की जाएगी कि इसको किस तरीके से रोका जाए और आलमी दुनिया में किस तरह जो है वो पाकिस्तान अपनी आवाज़ उठा सकता है। जी शुक्रिया अकबर अली।